नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वीरार के मनवेलपाड़ा में पार्किंग में खड़ी लग्जरी बस से मिली लाश, क्षेत्र में सनसनी का माहौल। आज की एक बड़ी खबर वीरार के मनवेलपाड़ा से, जहां मनवेलपाड़ा की पार्किंग में खड़ी आनंद ट्रेवल्स नाम की लग्जरी बस में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह के समय सबसे पहले मनवेलपाड़ा पार्किंग क्षेत्र से गुजर रहे भंगार वाले को इस लाश का पता चला, तभी तुरंत विरार पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही समय में विरार पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पंचनामा करते हुए सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त लाश की पहचान 30 से 35 साल की उम्र के करीब के विशाल नामक क्लीनर के रूप में हुई है। युवक की मौत के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसी संभावना जताई गई है कि मृतक शराब पीकर वहीं गाड़ी में सो गया होगा, जिसको हार्ट अटैक आया रहेगा, जिस कारण मर गया। हालांकि उपरोक्त जानकारी सिर्फ जताई गई अटकल मात्र है, जिसकी पुष्टि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है। फिलहाल पुलिस बारीकी से हर पहलुओं की जाँच करते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। आपको यह भी बताते चले, यह बस जिस जगह पर पड़ी थी वहाँ ऐसी कई बसें अवैध रूप से पार्क की जाती रही है, जिस पर प्रशासन ने कभी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की है। आज इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी अब क्या प्रशासन इस अवैध पार्किंग पर कोई कार्यवाही अंजाम देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। आम्हाला आताच कळलं सकाळी या ठिकाणी आनंद बस, आनंद म्हणून अशी कंपनीचं नाव लिहिलेली बस उभी आहे। ते बरेच वर्षाचे उभे आहेत, त्याच्यामध्ये आज एका माणसाची कोणतरी बॉडी सापडली। मला माहिती पडली, माझ्या कार्यकर्त्यांना फोन आला, ती त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना पाठवलं आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर असं कळतंय की तो कुठे क्लीनर होता, साफसफाई करत होता आणि त्याची बॉडी डिकम्पोज झाली होती। 3 दिवसांनी पोलिसांना किंवा वास यायला लागलं कळलं। पण या गोष्टीबद्दल आम्ही बरेच दिवस तक्रार करतोय वसईतर्शी महानगरपालिकेकडे, आरटीओ ऑफिसकडे, की आज बसेस या ठिकाणी कारवाई करा, त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारे वाईट प्रकारे या ठिकाणी घडू शकतो। कल्पना असेल रात्री अपरात्री या ठिकाणी लाईट असल्यामुळे महिलांची या ठिकाणी छेडछाड केली जाते, बसेसमधून काही अपप्रकार घडतात, दारू पिली जाते, अपप्रकार या ठिकाणी घडण्या शक्यता मोठीच होती। आम्ही कल्पना ती दिली होती की या ठिकाणी कुठलाही वाईट प्रकार घडला त्याचा जबाबदार कोण, आणि आज तसा एक प्रकार घडलेलाच आहे। पण यापेक्षा मोठा कोणता प्रकार घडेल अशी आम्हाला भीती वाटते, त्यामुळे आम्ही महापालिकेला पुन्हा एकदा विनंती करतो, आरटीओ ऑफिसला पुन्हा विनंती करतोय की या लोक बसेस लवकर कारवाई करा। त्या बाहेरून बसेस येतात, मुंबई जात नाही, त्या ठाणा मार्गे येतात, म्हणून ते वसईविरारमध्ये इथे उभ्या केल्या जातात। ज्या मुंबईमध्ये जी पासिंग संपलेली असते अशा बसेस या ठिकाणी उभ्या केल्या जातात, त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। आणि खरोखर याच्यासाठी कुठेतरी व्यवस्थित नका त्याच्याकडे असून त्या ठिकाणी बसेसचं कसं काय करताय ते आपण महापालिकेने आणि आयटीओ मिळून कारवाई करायला पाहिजे असं वाटतं। सापडली कशा स्थितीमध्ये होते काय ना, मला आता मिळालं की 3 दिवसानंतर ती बॉडी मिळालेली आहे, वास यायला लागला, डिकम्पोज झालं होतं। आता ती बॉडी कोणाची आहे काय ना, ती स्वयंचा वेळ पाठवलेला आहे आणि त्याच्यावरती पोलीस चौकशी करत आहेत, त्याच्यावर आता जे काही खुलासा ते पोलीस करतीलच। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।